और इस बीच आपको बड़ी खबर मधेपुरा से बता दें, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है मधेपुरा से, जहां पूर्व सरपंच प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गणेश मंडल के घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी है। बिहारीगंज थाना इलाके के देवौल गांव की ये पूरी वारदात है। सूचना पर पहुंची पुलिस इस वारदात की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर मधेपुरा से, पूर्व सरपंच प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गणेश मंडल के घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी है। बिहारीगंज थाना इलाके के देवौल गांव की पूरी वारदात, आपको बता दें कि सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची है और इस पूरे वारदात की जांच पड़ताल भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मधेपुरा से ये बड़ी खबर है, पूर्व सरपंच प्रत्याशी की बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी है। बिहारीगंज थाना इलाके के देवैल गांव की पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां सूचना पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं बिहार में। फिलहाल ये बड़ी खबर मधेपुरा से आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सरपंच प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गणेश मंडल के घर पर कुछ बदमाशों ने घुसकर उन्हें गोली मार दी है। जानकारी आपको दे दें, बिहारीगंज थाना इलाके के देवैल गांव की पूरी वारदात है, जहां सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची है और जांच पड़ताल कर रही है। बदमाशों की पहचान करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रुपेश कुमार, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, देखिए मधेपुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जानकारी है पूर्व सरपंच प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट और इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? देखिए शिवानी, मधेपुरा में इन दिनों अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि जहां बिहारीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बीरी रनपाल पंचायत के दोबेल गांव में वार्ड नंबर 7 निवासी पूर्व सरपंच प्रत्याशी गणेश मंडल को देर रात अपराधियों ने गोली मारकर घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। जी, वही हत्या के बाद जो है मतलब हल्ला करने पर स्थानीय लोगों की जमावड़ा हुई। उसके बाद जो है वहाँ मतलब स्थानीय प्रशासन को भी इसकी सूचना दिया गया है, लेकिन इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, उन लोग का आरोप है। जी शिवानी, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।